स्वायत्त निकाय में वार्ड पार्षद की बहुत बड़ी भूमिका होती है और वार्ड पार्षद सीधे जनता से जुड़े होते हैं, यानी कोई भी छोटी से छोटी समस्या का समाधान कराने के लिए वो किसी भी जनप्रतिनिधि के पास न जाकर वो सीधे वार्ड पार्षद के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। तो इस क्षेत्र में वार्ड पार्षद की अहम भूमिका होती है। इस वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में हम हर सप्ताह किसी न किसी पार्षद से संवाद करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 33 के पार्षद कमलकांत शर्मा जी हैं। कमलकांत जी से इनके वार्ड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, किस तरह की समस्याएं, विकास कार्य और आगामी योजना इनके वार्ड की इनके द्वारा क्या रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं। कमलकांत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कमलकांत जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जो आपके जो ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से की आपने और कैसे भाव आया आपका जनता के प्रति समर्पित होने का? राजनीतिक जीवन की शुरुआत सब कॉलेज समय में मैंने प्रयास किया था चुनाव लड़ने का, प्रेसिडेंट का, पर उस समय किसी कारण उस नहीं लड़ पाए जी। उसके बाद मैं नागरिक सहकारी का चुनाव लड़ा, जो अपने नागरिक सहकारी के चुनाव होते हैं वार्ड मेंबर्स के, जी जी, तो मैं उसमें सदस्य बना। उसके बाद मैंने धीरे धीरे लोगों के लिए कार्य किया, कार्य क्षेत्र भी मेरा ठीक रहा क्योंकि मैंने लोगों की काफ़ी लोगों से जुड़ा, लोगों की काफ़ी मदद करी, उनके काफ़ी कहीं भी किसी भी कार्य में जाना पड़ता था तो मैं खुद स्वयं जाता था। नगर निगम संबंधी कार्य जैसे उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र वगैरह, ये कार्य भी मैंने काफ़ी समय तक किए और लोगों से जुड़ा हुआ रहा मेरा जी। उसके बाद मेरे को पार्षद के रूप में यहाँ से वार्ड 33 से जो टिकट मिला उसमें मैं चुनाव लड़ा और लोगों ने वहाँ की जिस प्रकार की जो मूलभूत समस्या थी उसके तहत मुझे चुनकर सरकार के साथ भेजा जी। उस समय वहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये समस्या थी कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। मूलभूत न पानी की पाइपलाइन थी, न बिजली के खंभे थे, न बिजली थी, क्योंकि बरड़ा बस्ती और क्रेशर बस्ती एक जो काफ़ी सघन बस्ती है, कहने में तो वो बस्ती बहुत छोटी है, बहुत कम वोटर्स बताते हैं, बाकी वो बस्ती जंगलात पे बसी, कहते हैं लोग जंगलात, बाकी इतनी बड़ी बस्ती जंगलात पे बस गई, तो उसके पीछे क्या कारण रहे वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि माफियाओं ने कहीं जिन्होंने मिली बगस से ज़मीन को बेचा। वहाँ पे अभी भी समस्या यही है कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या यह है कि वहाँ पे अभी भी पानी की पाइपलाइन का अभाव है जी। कमलकांत जी, आपका जो वार्ड है उसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है, कितनी बस्तियाँ कच्ची है और कितनी बस्तियाँ पक्की है? हमारे जो मुख्य वार्ड में जो है वो एक तो बॉम्बे योजना जो सुभाष नगर से लगी हुई बॉम्बे योजना है जी। उसके बाद कंडीशनर हाउसिंग स्कीम है जिसमें मल्टी एरिया, जिसमें 5 मल्टियाँ स्थित है। उसके बाद बरड़ा बस्ती, क्रेशर बस्ती और जो अभी एक लास्ट UIT के द्वारा जो एक कॉलोनी काटी गई थी मुकंदरा विहार जी विस्ता स्पेशल, वो कॉलोनी भी मेरे वार्ड में है, तो इसमें बहुत लंबा क्षेत्रफल है मेरा जी। यानी जो ये विस्तार आप बता रहे हो मुकंदरा वाली, ये जो 4 लेन से जो अटैच है, जो 4 लेन अटैच है वो भी मेरे वार्ड में जी। बरड़ा बस्ती भी आप ही के दें। तो कमलकांत जी, जिस तरह आप बता रहे हो आपके वार्ड की जो सीमा उसमें तो कई समस्या मतलब जायज है, क्या आपने विकास कार्य कराए? सब समस्या तो बहुत है, मैंने आपको बताया मूलभूत सुविधा सबसे ज़्यादा बहुत परेशानी। बॉम्बे योजना में तो ठीक है क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी कटी हुई, बेटी कॉलोनी कटी हुई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी वाले एरिया में भी मुझे दिक्कत नहीं, पर मुझे सबसे ज़्यादा जो लोगों की पीड़ा देखने को मिलती है वो बरड़ा बस्ती और केसर बस्ती में जी। क्योंकि गरीब बस्ती जो बिल्कुल निवास गरीब लोग निवास करते हैं बिल्कुल, उनके पास आजीविका साधन यही है कि दैनिक मजदूरी के लिए वो काम करते हैं और दैनिक मजदूरी जाते हैं वो, पर उनको जब पानी वाले को 1,000 रुपये देना पड़ता है, जो वहाँ पे इनलीगल रूप से माफियाँ हैं जो पानी की बोरिंग करा के 1,000 रुपये में उन्होंने कनेक्शन दे रखे हैं, 5,000-7,000 रुपये उनसे एडवांस लिए जाते हैं फाइल के नाम पर, तो वो एक बहुत बड़ी पीड़ा है और गरीब आदमी बहुत ज़्यादा इस समस्या से जूझ रहा है, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जी कमलकांत जी, पार्षद का जीतना यानी जनता से सीधा उसका जुड़ाव यही मान सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान के लिए उसका आसरा होता है
एक छोटे जनप्रतिनिधि यानी पार्षद के, वो बड़े मंत्री के पास नहीं जाता। तो ये काम ऐसा लोग कहते हैं कि कमलकांत जी सुबह 6 बजे उठकर जनता की सेवा में लग जाते हैं, तो कैसे कर पाते होंगे आप? सब ये मेरा दैनिक कार्योग है एक तरह से। मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे सुबह जाना ही है वहाँ पे जी। और मुझे अपने आप अंदर, क्योंकि मैंने बताया ना गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की पीड़ा देखने के बाद लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं आवश्यकता है मेरी, और उन लोगों ने मुझे जिताया भी, इसलिए भरोसा है उनको मेरे ऊपर। वो लोग अभी भी मुझ पर काफ़ी विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। ठीक, तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया है अभी तक? सर मैंने अभी जो पहले तो हमने लाइट के लिए काफ़ी संघर्ष किया, तो उसके बाद हमारे यहाँ KDL द्वारा पोल्स वगैरह लगा दी गई, DPs वगैरह लगा दी गई, तो आज वहाँ पे लाइट की समस्या खत्म हो गई है। मेरे कार्यकाल में एक बड़ा बस्ती और कैसर बस्ती में एक बहुत बड़ा कार्य हो गया जी, जी। इसके लिए लोग कभी भी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि कभी भी कोई भी तार पहले आंकड़ों से लाइन चलती थी, तो कोई लाइन गिर जाए किसी के ऊपर, तो भगवान का इतना है कि आज वो समस्या खत्म हो गई है। जो दूसरी समस्या है वो पानी की समस्या है, और हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया है कि अभी हमने माननीय ओम बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, उनको हमने अभी ज्ञापन दिया था, मैं उनसे मिला था पर्सनली, और मैंने उनको इस समस्या के बारे में अवगत कराया, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम इस विषय में प्रयास कर रहे हैं और विषय में विचार कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब के माध्यम से भी यही है कि उस बस्ती का या तो नियमन हो या उसमें किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा का अभाव न हो, ये हमारा प्रयास है जी। कमलकांत जी, अब तक यानी 4 साल बीत चुके, 4 साल में कितने मतलब कितना बजट आपको मिला और किस किस तरह के काम आपने वार्डों में कराए आपके? भाई मुख्य बजट तो जो हमें मिला वो करीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का जो मुख्य बजट मिला, उसमें हमने बॉम्बे योजना में CC रोड का कार्य था वो करवाया, पार्कों का जो थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस का वर्क था वो करवाया, और हमने कंडीशन हाउसिंग इसमें रोड का कार्य करवाया। वहाँ पे भी वही एक पानी की पाइपलाइन की समस्या थी जो मेरे चुनाव के पहले नहीं थी, क्योंकि उसमें मल्टीज में पानी की लाइन नहीं, पाइपलाइन नहीं थी, तो हमने वो पाइपलाइन डलवा दी वहाँ पे जी जी। तो ये 3-3.5 करोड़ रुपए का मुझे बजट मिला जो मैंने करवाया कार्य जी। तो ये जो मल्टियों में पेयजल की व्यवस्था मल्टियों द्वारा नहीं की जाती होगी? पेयजल की समस्या वो थी सर, वहाँ पे जो मल्टीज बनाते हैं, जो बड़े लोग मल्टीज बनाते हैं जी, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पाइपलाइन नहीं डलवाते हैं। अच्छा। तो पाइपलाइन UIT के द्वारा हमने वहाँ पे डलवाई, उसमें उससे उनकी पानी की समस्या का निदान हो सकता था, पर उनको अभी कनेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि वो एक उनका सिस्टम है कि मल्टीज के वो एक डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका मुद्दा विधानसभा में उठा था कि मल्टीज में पानी की जो दर है, जो कनेक्शन की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से वहाँ पे पानी के लिए अभी पाइप पानी नहीं आ पाया जी। एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है सफाई की जी सर। तो वार्डों में आपके कितने तो कर्मचारी लगे हुए और किस तरह एक मतलब सफाई अभियान का कार्य होता है? सर वार्ड का जो परिदृश्य है उसके तहत तो मेरे पास काफ़ी संख्या कम है सफाई की, क्योंकि आप देखिए मेरा वार्ड इतना बड़ा है, मुझे कच्ची जगह भी काफ़ी बार सफाई के लिए भेजना पड़ता है, पर मेरे पास मात्र 12-13 लेबर है जो एक पक्की लेबर है जो मुझे दी हुई है, और मैंने कई बार उनको भी रिक्वेस्ट कर दिया है कि भाई मुझे लेबर और दी जाए। बाकी अभी बजट का अभाव बताते हैं, उन्होंने लेबर को मुझे दिया गया निगम में, मैंने लिख के भी दे रखा है इस बारे में, और टीपर के लिए मैंने बढ़ाने की मांग करी है। बाकी टीकर बाकी जिस हिसाब से अभी उन्होंने लेबर और टीपर दे रखे हैं उस हिसाब से करवाया कार्य करवाया जाता है, प्राथमिकता देती सफाई पूर्ण, तो क्योंकि सफाई एक परिदृश्य नगर निगम पार्षद का, तो उस कार्य को करवाने का प्रयास तो किया जाता है जी। कमलकांत जी, जो आपका क्षेत्र है ये मैं बात करूँ जो देखता हूँ हर रोज़, ये जो अपने ट्रक यूनियन वाली इन नालों में कई कचरा इसी में डाल जाते हैं, तो इन नालों को साफ़ कराने का क्या आपने लिख के दिया हुआ है? सब इसमें क्या है साहब, मैं बताऊँ आपको, इसमें मेरे पास दो मूलभूत समस्या है। एक तो क्या है कि इनलीगल रूप से जो डंपिंग होती है, जो सफेदा जो सैलरी आती है, जो जी, जी, सैलरी हाँ, आती हाँ, हाँ। ये स्टूडेंट सैलरी भी पहले तो पूरे वार्ड में पीछे डलती थी, कई बार मैंने प्रयास करके इनके अध्यक्ष को भी तामील किया, मैंने कहा भाई आप यहाँ ना डालें क्योंकि इलीगल रूप से डंपिंग किया जा रहा है जी, जी। तो इसके लिए मैंने उनको काफ़ी बार कह दिया है, बाकी वो मानते नहीं है, मैंने UIT को भी दे रखा है लिख के इस बारे में, और कचरे के बारे में भी मैंने अपने HO को और यहाँ अपने नगर निगम में भी लिख के दे रखा है भाई इलीगल रूप से यहाँ कचरा डालते हैं, और कई बार हमने पकड़े भी ये साधन, क्योंकि अब हमारे वार्ड में एक उस जिस जगह ये डंपिंग करते हैं इलीगल रूप से जी जी। उस जगह एक स्कूल हमने हाँ बिल्कुल बनवाया है, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल जो पिछले साल ही पास हुआ है उस स्कूल का हमने बनवाया ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें, तो एक स्कूल की जो समस्या थी उसको दूर किया, बाकी वो स्कूल के पास ही डंपिंग करते हैं उसको रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है जी जी। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है इस समय कचरा पॉइंट का वार्डों में,
तो कचरा पॉइंट के लिए क्या व्यवस्थाएं आपके वार्ड में है? सर हमने तो सफाई के परिदृश्य में देखा है कि कचरा पॉइंट जितना कम हो वार्ड में उतना बेहतर होता है। जी। हमने कचरा पॉइंट बनाने का प्रयास नहीं किया। कभी एक कचरा पॉइंट बनाया हुआ है वो भी कंडीशन हाउसिंग के पीछे, कभी कभार कोई टीपर खराब हो जाए या किसी प्रकार नहीं जाए जी तो जी वहाँ डंपिंग कर दें, बाकी उसको डेली ट्रॉली से उठा लिया जाता है। जी जी बाकी हमने कचरा पॉइंट ज़्यादा नहीं बनाए हमारे जी वार्ड में। कचरा पॉइंट आप मुश्किल से एक या दो कचरा पॉइंट मिलेंगे, उसके अलावा कोई कचरा पॉइंट नहीं। जी वैसे कमलकांत जी, आपका जो वार्ड है तो जनता क्या चाहती है, क्या किस तरह का विकास वो मांगती है आपसे? देखिए जनता का तो एक सीधा सीधा तरीका होता है, वो विकास से ज़्यादा ये चाहती है पार्षद से, तो कि पार्षद हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। बिल्कुल पार्षद से सबसे पहला उनका क्वेश्चन रहता है, पार्षद कोई हारी हो जाए, बीमारी हो जाए तो पार्षद, क्योंकि बिल्कुल पार्षद एक छोटा नेता होता है, जी, प्रथम सीढ़ी सीधा होती है, सीधा जुड़ा हुआ सीधा है। प्रथम सीढ़ी होती है। तो आज किसी की कोई बीमारी है, कोई हारी है, तो वो एक बार पार्षद उससे सबसे बड़ा। जी विकास तो एक है कि जितना बजट आता है उतना अनुसार पार्षद कार्य करता है, बिल्कुल बाकी ज़्यादा बजट तो विधायक और पार्लियामेंट्री में ज़्यादा जाता है, तो जी ये ज़्यादा उनको देखना होता है। हमें जी तो जो वार्ड के कार्य करवाने होते हैं छोटे मोटे, हम विधायक द्वारा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा करवाने की प्रयास जी करते हैं। पार्कों की क्या व्यवस्थाएं हैं आपके जो वार्ड में? पार्कों की वैसे तो सर व्यवस्थाएँ ठीक है, बाकी पार्कों में जैसे झूले लगना ये थोड़ी सी प्राथमिकता है। अभी मल्टी वाला एरिया थोड़ा पोश एरिया है, तो जी वहाँ पे उन्होंने जिम लगाने की मांग करी थी, वो भी हमने लेटर VIT को दिया है। पर VIT में भी शायद बजट का अभाव है थोड़ा सा, जी अभी जी पैसा नहीं है, तो VIT भी कार्यक्रम प्रणाली थोड़ी ढीली है VIT की। जी कार्यकाल का लगभग 4 वर्ष पूरे होने को आए, यानी 1 साल करीब, 1.25 साल और बाकी है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जनता के लिए? भाई बजट मिलता है तो 1 साल में आप जनता के लिए क्या बेहतरी के कार्य करना चाहेंगे? अगर बजट मिलता है और हमें अगर अच्छा बजट मिलता है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के विकास कार्य होते हैं, तो हमारी प्राथमिकता रही जो वास्तव में मूल कार्य है, जैसे कि हमारे बॉम्बे योजना में पार्कों में झूले लगना या मल्टी में झूले लगना, जी ये कार्य जो प्राथमिकता है जिससे सीधा जुड़ा होता है वो कार्य कराने की प्राथमिकता दी जाएगी। और मेरी सबसे बड़ी जो समस्या है, मैंने आपको बताया जी मेरे से अगर कोई कार्य पूछा जाए बड़ा बच्ची एक रेसर बच्ची, तो मैं पानी की पाइपलाइन के लिए बात कहूँगा, जी। इससे समस्या जूझ रहे हैं लोग। तो ये जो पेयजल की समस्या के लिए आपने बड़े जो नेताओं को अवगत कराया, जी सर, क्या आश्वासन मिला उन्होंने आपको? आश्वासन दिया है कि इस बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना वो भूमि का एक विषय आता है उसमें, वो जी जंगलात की भूमि पर बसी बस्ती है। जी पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जंगलात की भूमि पे है तो वोटर्स भी वहाँ पे ही हैं, उन्होंने वोट दिया, और इतनी बड़ी बस्ती ऐसे एक दिन में बसी नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल आज की तारीख में वो इतनी बड़ी बस्ती, आप अगर उस बस्ती को एक ये वार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कम है, वो एक अकेला ही वार्ड है अपने आप में, बड़ा बच्ची जी कसर बच्ची। जी तो हमारी प्राथमिकता, उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम प्रयास कर रहे हैं इस विषय में। अभी जो नगर निगम का बोर्ड है उससे कैसी आशा रखते हैं आप? नगर निगम के बोर्ड की तो आशा यही है कि नगर निगम, अब 4 साल तो लगभग बीत गए, जी अब 1 साल बचा है, तो अभी बोर्ड की भी ये स्थिति हो रही है कि अभी कई बार मैडम को भी कह दिया, आयुक्त महोदय को भी, कि भाई बोर्ड की मीटिंग कराई जाए, हाँ नियमानुसार 3 महीने बोर्ड का मीटिंग होना है। बाकी बिल्कुल आज तक मैडम ने इस विषय में, क्योंकि पिछली बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसकी जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, आज तक किसी की पार्षद के पास नहीं गई है। उसके अभाव में माननीय महापौर महोदय ने भी लेटर लिखा है, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं जी उन्होंने भी लेटर लिखा है। बाकी कार्यप्रणाली जो है अधिकारियों की वो बहुत सही नहीं है अभी, क्योंकि वो पिछली बोर्ड की मीटिंग की अभी तक पालना रिपोर्ट प्रस्तुत, जबकि 1 साल से ऊपर हो गया। जी नियमानुसार बोर्ड की मीटिंग होती है तो पार्षद को कहने का मौका मिलता है कि भाई उसके वार्ड में क्या कार्य करवाने हैं, कुछ कार्य नहीं हुए तो उसके लिए क्वेश्चन उठा सकता है, बिल्कुल बाकी आज तक बोर्ड की मीटिंग नहीं कराई गई। बोर्ड की मीटिंग ही वास्तव में ऐसी मीटिंग होती है जिसमें पार्षद अपनी बात बखूबी रख पाता है और उन पर अमलता भी होती है, तो वास्तव में बोर्ड की बैठक नहीं होना इस कार्यकाल में सबसे बड़ा दुखद बात रही है पार्षदों के लिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बोर्ड की मीटिंग होती रहनी चाहिए। तो कमलकांत जी, आप जनता के सेवक हैं, और जनता को जाते जाते क्या संदेश आप देना चाहेंगे आपकी वार्ड की जनता को सफाई व्यवस्था के मामले में, कि मतलब क्या काम किया जाए? जनता जनता को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा वार्ड की को, कि अगर वो सफाई के प्रति जागरूक रहेंगे, जैसे टीपर आता है, कई लोग टीपर में समय पे वो नहीं डालते हैं कचरा, जी तो वो बाहर फैलाते हैं, तो वो ना करें। सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है नगर निगम बिल्कुल का, जी बिल्कुल तो उस विषय में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जो भी साधन निगम द्वारा चलाए गए उसका उपयोग लें। जमादार और इंस्पेक्टर को भी तामील किया हुआ है कि भाई सफाई का ध्यान दें वार्ड में, सफाई के लिए तो एक मैसेज देना चाहूँगा मैं। जी।
नंबर 33 है। यहाँ पर काफ़ी 14 साल से निवास कर रहे हैं, लेकिन मुख्य समस्या यहाँ पर पानी और रोड की है। आम तौर पर हम काफ़ी दूर तक गर्मी के मौसम में जाते हैं, जिससे पानी हमें मिल ही नहीं पाता है। पार्षद साहब ने कई बार अवगत कराया, यूआईटी में ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट विभाग में है, तो इससे हम बहुत काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बस जैसे तैसे विकास हो जाए यहाँ पे। लाइट की क्या है व्यवस्था है? लाइट की क्या तो सही है, अब पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी मनमानिया ले रहे हैं पानी वाले, और रोड का है तो कोई गिर रहा है, कचरा वाले कोई गाड़ी नहीं आती है कचरे की। पहले तो फिर वो भी हुई है, अब गाड़ी कैसे आएगी? डोमेन से आएगी कचरे की गाड़ी, ऐसे कैसे आएगी? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, रोड और पानी। और ये हो गया ना तो सब कुछ सही है यहाँ पे। क्या वार्ड में ऐसे काम है जो हुए हैं, और क्या काम है जो नहीं हुए अभी तक? अभी तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ वार्ड में। बहुत बरसात है, परेशानी आती है बरसात में। उन्होंने थोड़ा बहुत काम चलाया था, जिसकी वजह से भी पहले यहाँ पर अच्छा रोड था, और काम चलाने की वजह से कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा। कचरे की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कचरा लेने आते हैं? नहीं आते कचरा लेने भी, पहले जब वोट के टाइम पे कचरा लेने आए थे, उसके बाद में कचरे की गाड़ी बंद हो गई। पेपर नहीं चलती? नहीं चलती है। पर अपना अपने खेते से बहुत खराब स्थिति अपनी। ये अपने क्या है, जो रोड आया था पहले भी, वो भी वो अपने जो कमलकांत जी ने बोला था कि रोड बनेगा, वो अपने वोटले भी जो बनाई थी अपन ने, वो भी तोड़ दिया उन्होंने। जी जी, कमलकांत जी ने उन्होंने बोला था कि आपके रोड बनेगा, वो भी तोड़ दिया उन्होंने। बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? स्कूल की क्या व्यवस्था है? चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? बिजली का तो पूछो मत आप, बिजली तो बहुत ही हाई रेट आ रही है अपने। बिजली का तो बहुत बिल आ रहा आपने। जी पानी तो 1000 रुपये लग रहे हैं बोरिंगों को, बोरिंग वाले 1000 रुपये। तो मैं कितने काम ऐसे हैं जो अभी तक, और कितने कुछ काम भी है काम नहीं हुआ आपने तो वार्ड में? तो अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ आपने तो वार्ड में। आपके वार्ड में कौन से ऐसे काम है जो करवाए जाने थे और अभी तक नहीं हुए? ये रोड का काम आया था, पर चलते चलते रुक गया। जी हाँ, क्यों रुका ये काम? सरकार चेंज हुई इसलिए रुका है या क्या कारण है? अब ये सरकार का तो पता नहीं, बाकी ये चलता चलता रुक गया कि कभी बोलते हैं वन विभाग की जमीन है, कभी बोलते हैं यूआईटी की जमीन है, इस मसले में रुका हुआ है। वार्ड में और कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो अभी पूरी होनी है? अब वो तो जैसे रोड का काम चलेगा तो उसके साथ पाइपलाइन की भी सुनने में आ रही है कि 1-2 महीने पाइपलाइन डलने वाली है, बाकी अभी तक तो कोई प्रोसेस नहीं हुई है। वार्ड नंबर 33, इसमें एक रोड नहीं है जी, एक पानी की समस्या है जी, और क्या समस्या है यहाँ पे? और समस्या तो यही है ज़्यादा पानी की, रोड की 2000 रुपया ले रहा है पानी वाला जी, दे रहे हैं क्या करें। आपके वार्ड पार्षद कौन है? कमलकांत। कितना काम करवाया उन्होंने वार्ड में? उन्होंने कुछ भी नहीं कराया, ये मलबा पटकाया था खाली, बस सड़कें नहीं बनी, फिर वो गिट्टी आई जो अभी चली गई जी। मतलब पार्षद के काम से आप खुश हैं कि नहीं है? पार्षद का जो काम करवाया है उससे आप खुश हैं या नहीं है? पार्षद क्या खुश है, पार्षद तो उसने अधूरा काम कराया, कोई खुश कोई ना, कोई क्या खुश है। ये थे हमारे साथ कोटा नगर निगम दक्षिण वार्ड 33 के पार्षद कमलकांत शर्मा जी। इन्होंने इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बाद आप तक पहुंचाई, साथ ही आने वाले समय में इनको जितना बजट मिलता है ये उसी के अनुरूप जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। और मुख्य जो इनकी जो समस्याएं थी पेयजल की, उसके लिए अथक प्रयास में लगे हुए हैं, और आने वाले समय में ये जनता के लिए समर्पित रहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद।